मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत घने जंगल में अपने नवजात शिशु को लेकर कहीं जा रही होती है। तभी ड्रैगन और उसकी सेना वहां पर आ जाती है। ड्रैगन उस औरत को पकड़ लेता है और हमें यहां पर पता चलता है कि वो औरत असल में उसकी पत्नी है। ड्रैगन एक शैतान का पुजारी था। उसने शैतान कालधरा से वादा किया था कि वह अपनी पहली संतान को उसे बलि चढ़ाएगा, इसलिए वह औरत अपनी नवजात शिशु को लेकर उससे बचने के लिए भाग रही होती है। खैर, अब ड्रैगन ने उसे पकड़ लिया तो वह कालधरा को अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगता है। तभी वह देखता है कि उसकी बीबी के हाथ में एक और नवजात शिशु है, तो ड्रैगन ये समझ नहीं पाता कि इसमें से उसकी पहली संतान कौन सी है। वह अपनी पत्नी से उसकी पहली संतान बताने के लिए बोलता है, लेकिन वह बताने से मना कर देती है। उसके मना करने पर वह उसके प्राइवेट पार्ट को नष्ट करवा देता है ताकि वह दोबारा बच्चे पैदा ना कर सके। तभी वहां पर कोरोना नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि एक शक्तिशाली जादूगर होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि कोरोना ने ड्रैगन को तंत्र विद्याओं का ज्ञान दिया था। कोरोना उसे ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन अपने घमंड में चूर ड्रैगन कोरोना की बात नहीं सुनता। वह उन पर अटैक कर देता है, लेकिन कोरोना उसे मार देते हैं। मरते मरते ड्रैगन कहता है कि जब दोबारा चांद ड्रैगन के घर पर पड़ेगा तो उस वक्त मैं वापस आऊँगा। इतना कहकर वह अपना दम तोड़ देता। उसके बाद उसकी पत्नी जो कि अपने प्राइवेट पार्ट कार देने की वजह से मर रही होती है, वह कोरोना से कहती है कि ड्रैगन वापस आएगा और फिर से वह अपनी पहली संतान की तलाश करेगा, इसलिए तुम मेरी बेटियों को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। उसकी बात मानकर कोरोना उन दो नवजात बच्चियों को एक दंपति के पास लेकर जाते हैं और उन्हें इन बच्चियों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी सौंप कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम 20 साल बाद देखते हैं कि चांद ड्रैगन के घर पर पड़ने से वह वापस जिंदा हो गया है। वह अपनी सेना को आदेश देता है कि वह उसकी पहली संतान की तलाश करे और उसे वापस लाए। उसके आदेश के अनुसार उसकी सेना उसके पहले संतान की तलाश में जुड़ जाती है। दूसरे सीन में हम मीरा और मायरा को देखते हैं जो एक नदी में नहा रही होती है। मीरा और मायरा वही नवजात शिशु है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वे अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन उन्हें लड़के और लड़कियों के बीच का फर्क पता नहीं होता, इसलिए वे एक लड़के की टांगों के बीच देखकर आपस में ही बातें करने लगती हैं। मीरा मायरा से कहती हैं कि उसकी टांगों के बीच कुछ लटक रहा है, ये शायद उसका सींग है। तो मायरा कहती हैं कि नहीं, शायद ये किसी प्रकार का वेपन हो सकता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आखिर ये चीज़ क्या है। ये पता लगाने के लिए वे दोनों नदी किनारे आती हैं और उसे एक मुक्का मारती हैं ताकि वो बेहोश हो जाए और वे चेक कर सके कि उसके टांगों के बीच एक क्या चीज़ है। लेकिन उनके मुक्का मारने पर वो बेहोश नहीं होता बल्कि भाग जाता है। उसके भाग जाने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर घर आ जाती हैं। घर आकर वे देखती हैं कि ड्रैगन के लोगों ने पूरे गांव पर हमला कर दिया है और उसके माता पिता को बुरी तरह से मार रहे हैं। वे उनको बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ड्रैगन के लोगों ने उसके माता पिता को मार दिया था, इसलिए वे काफ़ी दुखी हो जाती हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, उसका नाम वॉल्चर होता है, जो उनके लड़ने की कला से काफ़ी प्रभावित होता है। उसके बाद वे दोनों बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करती हैं। इतने में वहाँ पर कोरोना भी आ जाता है। वो उन दोनों बहनों को बताता है कि ये ड्रैगन के लोग थे जिन्होंने तुम्हारी असली माँ को मार दिया था, इसलिए तुम्हें ड्रैगन से बदला लेना होगा। ये सुनकर वे दोनों बहनें वॉल्चर के साथ चले जाते हैं जो उनके लड़ने की काबिलियत से प्रभावित था, क्योंकि वॉल्टर को भी किसी की तलाश थी। वे सब मिलकर एक शहर में जाते हैं जहां पर हमें एरिक को दिखाया जाता है। वॉल्टर एरिक की तलाश में ही शहर में आया हुआ होता है। एरिक जुआ खेल रहा होता है और उसमें जीत भी जाता है, लेकिन ये बात उसके अपोनेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर एरिक और उस आदमी की लड़ाई हो जाती है। इतने में वॉल्टर, मीरा और मायरा वहाँ पर आ जाते हैं। वे एरिक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वे एक रूम में जाते हैं जहाँ पर मीरा और मायरा उन आदमियों के सामने कपड़े चेंज करने लगती हैं। ये देखकर एरिक कहता है कि तुम्हें इस तरह से हमारे सामने कपड़े नहीं चेंज करने चाहिए, तुम एक लड़की हो। तो मायरा उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हम लड़की हैं। इस बात से एरिक और वॉल्टर समझ जाते हैं कि इन्हें लड़के और लड़की के बीच का फर्क पता नहीं है। उसके बाद एरिक और वॉल्टर उनसे कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, तुम इसी रूम में रहना जब तक हम ना आ जाए। एक एकर वे वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़की आकर मीरा और मायरा को बताती है कि एरिक को ड्रैगन के लोगों ने पकड़ लिया है, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर मीरा और मायरा उस लड़की के साथ चले जाते हैं। तभी ड्रैगन के लोग आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं।
कुछ देर बाद राजकुमारी डिलीशिया वहाँ पर आती हैं। वो उन दोनों बहनों में से कौन पहले पैदा हुआ ये जानने के लिए उन्हें आग के अंदर डलवाती हैं। आग के अंदर डलवाने से उन्हें पता चल जाता है कि उनमें से कौन पहले पैदा हुआ। तभी एरिक और वाल्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वे उन लोगों को मारकर मीरा और मायरा को लेकर एक घने जंगल में चले जाते हैं। अगले सीन में हम ड्रैगन और डिलीशिया को देखते हैं, जहाँ पर ड्रैगन डिलीशिया को बताता है कि वो जिस जंगल में गए उसका नाम बारबेरियन जंगल है। उस जंगल में जाने वाला कभी वापस नहीं आता, इसलिए उन्हें हमें जल्दी ढूंढना होगा। ये बात सुनकर डिलीशिया अपने आदमियों से उन्हें ढूंढ कर वापस लाने के लिए कहती हैं, और साथ में ये भी कहती हैं कि अगर तुम उन लड़कियों को ढूंढ कर लाए तो तुम उनमें से एक लड़की के साथ मजे कर सकते हो। वो इधर बारबेरियन जंगल में वे सभी आग सेक रहे होते हैं, तभी ड्रैगन के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वे उनके सामने एक फल तोड़ते हैं जिसमें से धुआं निकलने लगता है। वे इस धुएं को सूंघते हैं तो वे हंस हंस कर पागल होने लगते हैं। जब ड्रैगन के लोग मारा और एरिक को ले जा रहे होते हैं तो वे हंसी की वजह से कुछ नहीं कर पाते। मारा और एरिक को जब ड्रैगन के पास लाते हैं तो ड्रैगन मारा से कहता है कि तुम यहाँ की रानी बनोगी क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। मारा भी उसके सम्मान के झांसे में आ जाती है। उसके बाद एरिक को खेल में चीटिंग करने के जुर्म में पर चढ़ाया जा रहा होता है। तभी उन्हें एरिक के पर्स में से आर्मेक साम्राज्य का एक सिक्का मिलता है। इससे वे समझ जाते हैं कि एरिक आर्मेक साम्राज्य का इकलौता वारिस है, इसलिए वे उसे छोड़ देते हैं। उस रात ड्रैगन और डिलीशिया मिलकर एरिक को मारा के साथ संभोग करने के लिए राजी कर लेते हैं क्योंकि उनके सेक्रीफाइस के लिए संभोग करना जरूरी था। एरिक मायरा के साथ संभोग करने लगता है। वही जंगल में मायरा को भी ये महसूस हो रहा था कि कोई उसके जिस्म से खेल रहा है क्योंकि वे दोनों बहनें जुड़वा थी, इसलिए जो मायरा के साथ हो रहा था वो मायरा को भी महसूस हो रहा था। मायरा खुद को प्लेजर देने लगती है। ये देखकर वाल्टर सब कुछ समझ जाता है। वह मायरा को लेकर ड्रैगन के महल में आता है, जहाँ पर एरिक और मायरा को संबोधित करके आहुति देने के लिए राजी कर लिया था। वे दोनों ड्रैगन को ये सब रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन ड्रैगन उन्हें जमीन के अंदर धंसा देता है। उनके जमीन में धंसने के बाद ड्रैगन सोचता है कि वाल्टर और मायरा मर चुके हैं, लेकिन वे दोनों जमीन में धस कर नीचे पुराने कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। ड्रैगन मारा का बलिदान देने के लिए रस्म शुरू कर देता है। वह जैसे जैसे रस्म को आगे बढ़ाता है वैसे वैसे मरे हुए मुर्दों में जान आने लगती है और कब्रिस्तान में पड़ी लाश जिंदा होने लगती है। इन्हीं में से एक लाश मायरा को पकड़ लेती है। वो उससे छूटने की काफ़ी कोशिश करती हैं लेकिन वो छूट नहीं पाती। तभी उसे याद आता है कि कोरोना ने उससे कहा था कि अगर तुम मुसीबत में हो तब तुम विताल का नाम लेना। मायरा विताल का नाम लेने लगती है। जब मायरा विताल का नाम लेती है तो इधर मारा भी विताल का नाम लेने लगती है, जिससे विताल आसमान में प्रकट होता है। जब ड्रैगन देखता है कि मारा और एरिक से उसकी सम्मोहन शक्ति खत्म हो रही है तो वह कालधारा को डिलीशिया की आहुति दे देता है। तभी आसमान में कालधारा प्रकट होता है। कालधारा विताल से लड़ने लगता है। विताल कालधारा को हरा देता है। वह इधर पूरे गांव के लोग आकर ड्रैगन और उसके सारे आदमियों को मार देते हैं। मूवी के अंत में एरिक मारा और मायरा दोनों से शादी कर लेता है क्योंकि दोनों जुड़वा हैं, और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।